বাঙালি হয়ে বলো, বাঙালি মেয়ে আপনি বাঙালি ফ্রেন্ডস কিনা। আমরা বাজার থেকে ঘুরে আসলাম, এখন আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেছে, এতক্ষণ গিয়েছিলাম, বৃষ্টি পড়ছে, হালকা ফুলকা কিছু কিনে নিয়ে চলে আসলাম। আগরতলা एक बहुत खूबसूरत शहर जो त्रिपुरा की राजधानी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूनम मैठानी और स्वागत है आपका मैठानी ब्लॉग्स में। आज मैं और मेरी फ्रेंड सीमा हम दोनों जा रहे हैं बच्चों के यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो आज मैं अगरतला के बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी। अगरतला भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। इसकी स्थापना सन 1850 में महाराज राधाकृष्ण किशोर माणिक्य द्वारा की गई थी। अगरतला त्रिपुरा के पश्चिम भाग में स्थित है और इस शहर से जो नदी जाती है उसका नाम है हरोआ नदी। और फ्रेंड्स, अगरतला से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर है बांग्लादेश। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, उनमें से एक है माँ त्रिपुरा सुंदरी जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और यहाँ पर नीर महल है जो पानी के बीच में बना हुआ है। और त्रिपुरा का उज्जैनता पैलेस जो राजवाड़ी के नाम से भी फेमस है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर इन सब की एक एक वीडियो अलग अलग से डिटेल में डाल रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2-3 मार्केट हैं, बरतला, शकुंतला और हॉकर्स। और अभी हम लोग शकुंतला मार्केट में पहुँच गए हैं और हमें जाना है हॉकर्स में, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब वहीं पे मिलते हैं। यहाँ पर लगभग रोज़ बारिश हो रही है और अभी भी थोड़ी बहुत बारिश है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर थोड़े बहुत कोविड के केस बढ़ने लगे हैं, इसलिए लोग सिर्फ ज़रूरी काम से ही मार्केट आ रहे हैं। हम लोग अभी पहुँच गए यहाँ पर हॉकर्स में और आधे से ज़्यादा दुकानें हमें बंद दिख रही हैं। और बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, हर स्कूल के यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म मिलती है। यहाँ पर लेडीज़ का भी सारा सामान मिलता है और हमें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे दिख रहे थे। अभी हम लोग यूनिफॉर्म की शॉप में हैं और वैसे यूनिफॉर्म तो बच्चों के लिए कब से बना ली थी, लेकिन आज हमें उनके लिए हाउस कलर की टी शर्ट और ट्रैक पैंट लेना है। यहाँ पर सीमा कर रही थी उनसे बंगाली में बात और उसके बाद हम लोगों ने यूनिफॉर्म वगैरह ले ली थी। यहाँ पर कुछ दुकानें तो बंद हैं, लेकिन जो दुकानें खुली हुई हैं उन दुकानों में लेडीज़ के कपड़े और बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। जेंट्स के कपड़े यहाँ पर नहीं हैं। और चलते चलते हमें रास्ते में एक धूप की खुशबू आई, इतनी अच्छी थी वो खुशबू कि हम लोग मतलब पूछने के लिए रुक गए थे कि आप लोग ने ये क्या जलाया है। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि बंगाली लोग जलाते हैं, वही था ये। और यहाँ पर पूजा करते टाइम ऐसे धूप दिखाना, धुआं करना बहुत शुभ माना जाता है और हर घर में ऐसी पूजा होती है यहाँ पर। अभी हम लोग हैं शकुंतला मार्केट में और यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश लगी हुई थी, हमने थोड़े फ्रूट्स खरीदे और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।